वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशंस 2010 से लेकर 2023 तक कंडक्ट हुआ है, चाहे वो एग्जामिनेशन बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे मद्य निषेध का हो, वनरक्षी का हो, वनपाल का हो, फायरमैन का हो, इन सभी एग्जामिनेशंस में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे तो उनमें से मैं 2000 क्वेश्चनों को कलेक्ट किया हूँ जो अति महत्वपूर्ण रहेगा, जो अभी फिलहाल में वैकेंसी आया है 21,391 पोस्ट का बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इस एग्जामिनेशंस के लिए रामबाण रहेगा। 2000 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। जब मैं लास्ट में आपको 2000 क्वेश्चन का ये पीडीएफ दूंगा तो आपका जब एग्जाम होगा तो इसी 2000 क्वेश्चन में से 70% क्वेश्चन लड़ेगा आपके एग्जामिनेशंस में हु बहू। तो जितने भी कैंडिडेट सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो आप लोग हमारे से जुड़ जाइएगा। मैं आपको डेली बेस पे 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जीके जीएस का, और इस तरह 2000 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो आप लोग चैनल से, जितने भी गर्ल्स एंड बॉयज हैं, आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं आपको डेली बेस पे 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब आप सोच रहे हैं केवल मैं जीके जीएस कराऊंगा? नहीं, 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं बिहार कॉन्स्टेबल लेवल का, उन सभी क्वेश्चनों को मैं कराने वाला हूँ, चाहे वो हिंदी का हो प्रीवियस क्वेश्चन, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो जीके जीएस का हो, चाहे मैथ का हो, मैं सबका सीरीज करा दूंगा, कंप्लीट कराऊंगा। अब बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से नोट्स तैयार किया हूँ और वहीं सेलेक्ट किया हूँ, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है 2010 से लेकर 2023 तक का, वहीं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली लड़ेगा, बाकी सब कुछ स्किप कर दिया हूँ। काफ़ी मेहनत करने के बाद ये सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा और शेयर कीजिएगा जितना हो सके। देख सकते हैं टोटल मैं डेली बेस पर 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए सभी क्वेश्चन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। और आपको डेली बेस पर आपको ये क्वेश्चन देखना है क्योंकि इससे बाहर आने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार जो स्टैंडर्ड है एग्जाम का लेवल रहेगा 10th लेवल का रहेगा। इससे पहले जो था 12th लेवल का था, बट इस बार 10th लेवल के ही क्वेश्चन आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं तैयार किया हूँ। देखिए फर्स्ट प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। ये कई बार एग्जामिनेशन से पूछा गया है और इस बार भी चांस है। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है? तो ये है बतापी। कहाँ है? बतापी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी वन में हुआ था 563 BC में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ये सभी 2010 के क्वेश्चन है, इसी तरह 2012, 2013 इस तरह बढ़ते जाएंगे, 2023 तक जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा होता है राज्यपाल की नियुक्ति। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत एक क्या है? तो ये राज्यों का संघ है भारत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने होता है? तो 5 वर्षों का भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। ये सभी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? 0.03% है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? तो ये महात्मा गांधी की पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 48 के क में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी के समय भारत के वायसराय कौन थे? देखिए जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के जब फांसी दिया गया था उस टाइम भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के निवासियों का। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े के दागने की प्रथा आरंभ की थी? तो उस सुल्तान का नाम है अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली का सुल्तान था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं? तो उष्णकटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68° 7' पूरब से लेकर 97° 25' पूरब तक ये विस्तृत है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदी कौन है? तो है लूनी नदी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को
आधुनिक मनु कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान, किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, मतलब किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होते हैं, ये पूछा गया था। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये 326 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान का हृदय एवं आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, तो ये राष्ट्रपति जी करते हैं महान्यायवादी की। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वर्षा की बूंदे गोला होने के कारण क्या है, तो आप लोग देखते हैं कि बरसात में जो बारिश की बूंदे है गोला होने लगती है, तो उसका कारण है जल का पृष्ठ तनाव। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता, ये जोड़ा गया था। इंद्रधनुष बनता है अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोनों के कारण इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, व्यक्ति को अपनी पूरी प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब पूरी अपना इमेज देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितना होना चाहिए, तो देखिए जितना भी व्यक्ति की लंबाई हो, लंबाई की आधा होना चाहिए, व्यक्ति की लंबाई की आधा होना चाहिए समतल दर्पण की लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है, तो देखिए परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, ये सभी क्या होते हैं, घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित होती है, जबकि ध्रुवण की जो घटना है ये प्रदर्शित नहीं होती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दूध में खट्टापन किसके कारण होता है, किस अम्ल के कारण पूछा गया था, तो वो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सागर जल में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा है, तो है साधारण लवण। कौन सा है, साधारण लवण, लवण मतलब नमक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है, तो ये CO+N2 से निर्मित होता है प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, डोलामाइट एस्क है, तो ये मैग्नीशियम का एस्क होता है डोलामाइट, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो देखिए पानी को भाप में बदलना ये भौतिक अभिक्रिया है, नहीं कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं है, जबकि लोहे में जंग लगना, दूध से दही का जमना, कोयला का जलना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो ये 7 से कम होता है। ग्रैना किसका घटक है, ये हरित लवक का घटक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बोलशेविक क्रांति अक्टूबर 1917 का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है। जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो ये सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो है आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्षों का होता है। मुगल शासकों का सही क्रम पूछा गया था, तो देखिए मुगल शासकों का जो क्रम है, पहले बाबर आया था जो संस्थापक था मुगल वंश का, उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर लास्ट में था बहादुर शाह। पूछा जाता है कि मुगल शासकों में अंतिम शासक कौन था, तो बहादुर शाह। इसे ट्रिक से याद करिएगा, बहु आजा शाम हो आई, ये ट्रिक है, इसमें आपको सब मिल जाएगा। बहु से बाबर, ह से हुमायूं, आजा, अ से अकबर, ज से जहांगीर, शाम हो आई, तो स से शाहजहां, औरंगजेब, और लास्ट में बहादुर शाह जफर, ये हो जाएगा। तो कुछ ट्रिक से भी याद करवाऊंगा आपको। राज अपहरण नीति की शुरुआत किसने किया था, लाल डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, लोथल किस राज्य में है, तो ये लोथल जो है गुजरात में है। कौन कौन महासागर पनामा शहर से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर पनामा शहर को जोड़ा है। वन महोत्सव का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो KM मुंशी को कहा जाता है। दफला और सिन्होपो जनजाति पाई जाती है, ये अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है।
तो ये रहा आज का 50 प्रश्न। इसी तरह मैं आपको डेली बेस पर 50-50 क्वेश्चन कराऊंगा और इस तरह 2000 क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद हिंदी के भी जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन बने हैं 2010 से 2023 तक, उसको भी कराऊंगा, इंग्लिश के भी और मैथ के भी। तो बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके एग्जाम से पहले मैं सभी क्वेश्चन करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका PDF आप अभी टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।